वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं प्रॉपर्टी शोकेस करने वाला हूँ। ये बेसिकली एफ ब्लॉक पालम विहार में 430 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है और ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप, वो साउथ वेस्ट है। यहाँ आप देख सकते हो तीन बड़े साइज़ की गेट मिल रही है आपको पार्किंग के लिए। दो दो गाड़ी का पार्किंग मिलेगा, छोटा गेट मिल रहा है, तीन बड़े साइज़ का गेट है। ये इसका रैम्प एरिया हो गया, यहाँ प्रॉपर काम किया गया मार्बल का। ये हो गया फ्रंट एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी रोड की विड्थ की फ्रेंड्स, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 30 फीट की रोड जा रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन सा है। जेंट्री भी काफ़ी अच्छी है ये, जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ प्रॉपर आपको काम किया गया है इसमें जो है फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग में आपको थर्ड फ्लोर बचा हुआ है, सिर्फ रिमेनिंग फ्लोर सोल्ड आउट है। टॉप से नीचे वाला, फोर्थ से नीचे वाला थर्ड बचा हुआ है, रिमेनिंग फ्लोर सोल्ड आउट है। और ये इसका हो गया रैम्प एरिया प्रॉपर। मूविंग ऑन टू दी स्ट्रीट पार्किंग, वह दिखा देता हूँ। इसमें आपको लिफ्ट जो है फ्रेंड्स, वो जॉनसन, इसमें सैंडलर की लिफ्ट आएगी। यहाँ पे लाइट्स के लिए प्रोविज़न दिया गया है। जो भी विजिटर आएंगे यहाँ से आप से बात कर सकते हैं। गोदरेज ब्रांड की इसमें आपको ये आ रही है, सारे यहाँ से पुश करके आप बात कर सकते हो, वॉइस कमांड सारा हो जाएगा। अंदर से आप लॉक और डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ से बात भी कर सकते हैं, यहाँ से डोरबेल भी बजा सकते हैं। चारों का, दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। लाइट्स के सारे यहाँ प्रोविज़न दिए गए हैं। मूविंग ऑन टू द स्टिल्ट पार्किंग, यहाँ पे एक दो तीन बड़े साइज की गेट मिल रही है आपको। प्रॉपर दो दो गाड़ी का पार्किंग रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया है, ग्रेनाइट का मार्बल लगी हुई, जो कि आप देख सकते हो। ये वॉल में सारे में इस टाइल्स का काम किया गया है और देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है ये। और ये हो गया इसका स्टिल्ट पार्किंग प्रॉपर। और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से प्रॉपर काम इन्होंने किया हुआ है टाइल्स का। हाँ, वॉल में सारे में टाइल लगा हुआ है, पिलर्स में लगे हुए हैं। फ्लोरिंग की मैं करूँ बात अगर, तो सारे में ही काम किया गया है मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो ये। और पीछे का मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पे स्टोरेज टैंक है, वाटर टैंक रहेगा। ये लिफ्ट का स्टेयरकेस एरिया आ गया, यहाँ भी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का, देख सकते हो आप ये। यहाँ पे सैंडलर की लिफ्ट आएगी, ये जाएगा टेरेस तक, छत तक। और यहाँ पे स्टेयर केस एरिया हो गया आपको, यहाँ पे स्टील की रेलिंग मिल रही है, प्रॉपर इसमें काम किया गया है मार्बल का। फेस चेंजर यहाँ पे दिया गया है, इस तरफ जहाँ ढका हुआ है फेस चेंजर है वो। ये हो गया इसका वाटर टैंक, ये देख सकते हो आप, प्रॉपर पार्किंग हो गया ये। और यहाँ पे आपको 4000 लीटर का टैंक मिलेगा पर फ्लोर। दो इधर हो गया और दो ये हो गया। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, यह टेरेस एरिया प्रॉपर इसमें काम किया गया है मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे लिफ्ट टॉप तक आएगी, सेलर ब्रांड की लिफ्ट आ रही है, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये प्रॉपर्ट्स में काम किया गया है स्टेयर केस में मार्बल का, स्टील की आपको रेलिंग दी गई है इसमें। और ये छत हो गया, सारे में सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है। एक साफ्ट यहाँ दिया हुआ है, आपको 1000 लीटर का सिंटेक्स मिलेगा, चार छोटा दिया हुआ है एक नीचे के लिए, पार्किंग के लिए, साफ सफाई के लिए। और यहाँ पे आपको आयरन की रेलिंग दी गई है इसमें, इस तरफ फुट लाइट सारे दिए गए हैं छत में। यहाँ से स्टेयरकेस गया हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ भी रेलिंग दिया गया है प्रॉपर आयरन की। और यहाँ पे आयरन की आपको गेट दी गई है सर, जो कि आप ये देख सकते हो। यहाँ भी दिया गया विंडो प्रॉपर। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉपर्टी शोकेस करने वाला हूँ। ये बेसिकली पालम विहार एफ ब्लॉक में 430 स्क्वायर प्लॉट साइज़ है और ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप, ये आपको साउथ वेस्ट है, सामने लिफ्ट आ रही है, सेंडलर ब्रांड की लिफ्ट रहेगी, जो कि टॉप टेरेस तक जाएगा, फिफ्थ फ्लोर तक जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी कारपेट एरिया की फ्रेंड्स, तो 2300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, 2300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है ये। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है।
आ गया टाइल्स का। अब मैं आपको समझाता हूँ लेआउट क्या है। नहीं है जो मेरे सामने में, ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया, और ये इसका हो गया सेकंड बेडरूम अटैच वाशरूम, और वो दो बेडरूम आगे है, दो बेडरूम पीछे हो गया। और ये जो है इसको मंदिर बना लो या कुछ भी बना सकते, एज ए स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप। तो दो बेडरूम आगे हो गया और ये थर्ड है और ये फोर्थ है, किचन है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें, काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। और इस तरफ भी बालकनी दी हुई है तो अच्छा है, आपको इस तरफ से भी अप्रोच दिया हुआ है तो अच्छा वेंटिलेशन बना रहेगा। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें जितने भी लाइट्स हैं सारा कुछ हैवेल्स ब्रांड का यूज़ किया गया है, जो कि आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो। ये यूपीवीसी के सारे डोर्स मिल रहे हैं, एसी के लिए प्रोविजन मिला हुआ है यहाँ पे। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। और इससे अटैच ये यहाँ पे आपकी वार्डरोब आ जाएगी, मतलब वॉकिंग क्लोजेट सारे रहेंगे इधर, उसके लिए स्पेस दिया गया है यहाँ पे। और ये हो गया इससे अटैच वॉशरूम। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें टाइल्स का काम किया गया है और ये वॉशरूम हो गया। फिटिंग्स ना सारे इसमें जैगवार के हैं, क्यू ब्रांड की। इसमें आपको जैगवार की कमोड और टैप्स की फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे। स्लाइडर इसमें पार्टीशन ग्लास दिया गया है। इस तरफ आपका जो है फ्रेंड्स वॉश मशीन आ जाएगा। तो ये हो गया वॉशरूम। यहाँ पे शावर एरिया है ये, जो कि आप ये देख सकते हो। हैवेल्स के एग्जॉस्ट मिल रही है इसमें आपको। ये वॉशरूम हो गया और ये कनेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स आपको फ्रंट बालकनी से, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये आपकी रनिंग बालकनी है, इस तरफ भी बालकनी दिया गया है छोटा सा, देख सकते हो आप ये। बट आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप सारे कवर कर दिए गए हैं। ये बालकनी हो गया फ्रंट बालकनी। इसमें आयरन की आपको रेलिंग दी गई है ब्लैक कलर की, और सारे में सेरेमिक बैटरी फाइट आपको टाइल्स का काम किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, जो कि आप देख सकते हो ये भी। और इसमें आपको वुडन टाइल्स का काम किया गया है फ्लोरिंग में, अगर बात करूँ तो। और सारे आउटडोर्स में सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप ये देख सकते हो, यहाँ भी दिया गया है। तो ये हो गया फर्स्ट बेडरूम। लाइट सारे हैवेल्स के हैं, स्विचेस सारे इसमें जितने भी हैं वो ग्रीन ग्रैबट्री के हैं सारे। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी आपको ये फर्स्ट बेडरूम है, काफ़ी बड़े साइज़ का है ये बेडरूम, जो कि आप देख पा रहे हो। ये फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें, या स्लाइडेड डोर्स मिले हुए हैं इसमें आपको। लाइट्स का प्रोविज़न भी नहीं है इसमें, जितना हो सकता है दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे टीवी पैनल आ जाएगी इस तरफ, और ये हो गया स्लाइडेड डोर्स पीपीसी की। और इस तरफ जो है वॉकिंग क्लोजेट आ जाएगा आपका, और यहाँ पे इससे अटैच वॉशरूम हो गया, जो कि आप देख सकते हो। ये फिटिंग्स ना सारे इसमें जैगवार के दिए हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। इस तरफ भी आपको जो है ये इधर आपका वॉश मशीन आ जाएगा, मिडिल में कमोड है, और जहाँ पार्टीशन करा हुआ है वहाँ पे शावर एरिया है। फिटिंग्स ना सारे जैगवार के हैं, जो कि आप देख सकते हो टाइप्स के फिटिंग। और इसमें वेका ब्रांड की आपको पीपीसी की विंडो मिल रही है, जो कि कनेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स आपको फ्रंट बालकनी से। ये आप देख सकते हो इसकी बालकनी हो गई प्रॉपर। और यहाँ पे इसका रैंप एरिया आ गया, दो तीन बड़े साइज के गेट मिल रही, छोटी गेट मिल रही यहाँ पे। जेंट्री आप देख सकते हो ये। डोर सारे जितने भी लॉक्स है इसमें सारे डोर सेट के लॉक दिए हुए हैं, जो कि आप ये ग्रे कलर की लॉक है। ये डोर का डिज़ाइन हो गया, उतना वुडन वर्क नहीं है, फैंसी नहीं है थोड़ा। इन्होंने किचन मैं दिखाऊंगा नीचे कैसा बना हुआ है, जस्ट ये किचन जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई है कि जो लेंगे अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और नीचे मैं दिखाऊँगा भी आपको किचन कैसा बना हुआ है। ये इससे अटैच्ड है फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट बेडरूम, ये था सेकंड बेडरूम, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ है। तो अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो। ये
फॉल्स सीलिंग का भी काम हुआ हुआ जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। यूपीवीसी के साइड डोर्स मिल रहे हैं आपको, इस तरफ आप वॉकिंग क्लोजेट बनाओगे, वार्डरोब इस तरफ रहेगी आपकी, यहाँ स्पेस दिया हुआ है। इससे अटैच ये वॉशरूम है जो कि अगर मैं बात करूँ उसकी फोल्डिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, और ये आप देख सकते हो फिटिंग्स में सारे जैगुआर के दिए हुए हैं। यहाँ पे टैप्स के लिए यहाँ वॉश मशीन आ जाएगी इस तरफ, और सेंटर में जो है मिडिल में वो आपका आ गया कमोड एरिया, और लेफ्ट में जो है वो आ गया शावर एरिया। फिटिंग्स में सारे जैगुआर के इसमें, और ये कनेक्ट कर रहा है पीछे की बैल्कनी से। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, में प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का जो कि आप देख सकते हो। ये और ये इसकी आयरन की रेलिंग दी गई है, ये पीवीसी के, इसमें आपको साइड डोर्स मिल रहे हैं जो कि आप देख सकते हो। और ये स्पेस हो गया, यहाँ वाटर टैंक के लिए दिया हुआ है। और ये इसका हो गया मेन डोर, एक बार दिखा दो डिजाइन क्या नहीं है। ये इसका मेन डोर है, थोड़ा लाइट का प्रोविजन नहीं है बट जितना हो सकता है देखने की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो ये मेन डोर हो गया, डोर शीट का इसमें लॉक दिया हुआ है, सेम वही है पासकोड टच कोड और फिंगरप्रिंट से खुलता है ये। और जो भी ये आप देख सकते हो डिज़ाइन, और यहाँ पे जो भी आएंगे विजिटर वो यहाँ से आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो, गोदरेज का दिया हुआ ये भी। और ये ग्रैब ट्री का सारे स्विचेस हैं जो कि आप देख सकते हो ब्रांड। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ बेडरूम, अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें भी प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का जो कि आप देख सकते हो। ये फॉल्सिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है, इस तरफ बैल्कनी दी हुई है जाने आने के लिए, इसमें प्रॉपर लाइट आ रहा है आपको इस घर में, इस रूम में, फोर्थ बेडरूम में। और यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ जाएगा, इस तरफ प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है फ्रेंड्स आपका, यहाँ भी छोटी सी डोर दी हुई है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, एयर के लिए। ये बैल्कनी हो गई छोटी सी, प्रॉपर इस पर काम किया गया है मार्बल का, रेलिंग में चैम्बर बनी हुई ऑलरेडी हो। और ये करंट कर रहा है बैक साइड बैल्कनी से, फोर्थ बेडरूम का अलग बैल्कनी है, ये सेपरेट बैल्कनी, दो बैल्कनी है इसमें, ये देख सकते हो आप। आयरन का रेलिंग दिया गया है, काम चल रहा है इसमें, टाइल प्रॉपर लगी हुई है इसमें। और इसे अटैच ये वॉशरूम में फ्रेंड्स आपको फिटिंग्स वाले, इसमें भी सेम सारे जैगुआर के पार्टीशन ग्लास भी इसमें किया गया है, ये आप देख सकते हो। वॉशरूम है, इसमें आपको फैन के लिए प्रोविजन दिया है, सारे लाइट सारे हैवेल्स के हैं जो कि आप देख सकते हो। ये भी यहाँ पे आपको ये आ जाएगी वॉश मशीन, मिडल में कमोड है, और जो मेरे राइट में जो है ये आपको शावर एरिया है। फिटिंग्स इन्होंने सारे जैगुआर के हैं। यूपीवीसी की विंडो दी गई है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, हेवल्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, विका ब्रांड की यूपीवीसी की विंडो दी गई है इसमें। और मूविंग ऑन टू दी पूजा घर, और ये मंदिर है आप देख सकते हो, इन्होंने बनाया हुआ है प्रॉपर, विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है, फैन के लिए भी दिया गया है। और ये इसका हो गया ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, एक बड़ी आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है देखने में ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। हाउसिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ग्रैविटी के सारे स्विचेस हैं, लाइट जितने भी लगे हुए इसमें सारे हेवेल्स ब्रांड के हैं, और एसी के लिए यहाँ प्रोविजन दिया गया है, दो एसी यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे एसी आएगी, एक आपकी एसी यहाँ पे आएगी, और सारे ही सेरेमिक बैटरीफाइड हल्का सा जो है लाइट ब्राउन कलर का टाइल्स का काम किया गया है इसमें फ्लोरिंग में जो कि आप ये भी देख सकते हो। और इस तरफ ये यहाँ पे आपका ये हो गया लिविंग एरिया। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का जो कि आप ये देख सकते हो। फॉल्स सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, एसी के लिए प्रोविजन दिया गया है, स्लाइडर वेका ब्रांड की यूपीवीसी की विंडो मिल रही है आपको इसमें, और यहाँ भी आपको एक बैल्कनी मिल रही है जो कि एयर लाइट वेंटिलेशन की बना रहेगा आपका। और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। और यहाँ पे आपका टीवी पैनल के लिए प्रोविजन दिया गया है, और यहाँ पे आराम से आप सोफ़ा रख लोगे, कम से कम
तीन तीन छः तीन नौ नाइन सीटर सोफ़ा यहाँ पे आपकी आ जाएगी, सेंटर में आपका टीवी पैनल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ड्राइंग रूम, और यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगा लो आराम से, सिक्स सीटर एट सीटर आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ जाएगा। फॉल सीलिंग का भी काम किया गया है, फ़ैन के लिए यहाँ पे दिया गया प्रोविज़न, एसी के लिए दिया गया प्रोविज़न, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है, जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द किचन, किचन हो गया प्रॉपर इसका, इसमें भी जस्ट आप देख सकते हो डिज़ाइन ऑफ किचन का, और इसमें भी फॉल सीलिंग का काम किया गया है प्रॉपर। और यहाँ आप देख सकते हो जो इस तरफ आपकी ये सब इन्होंने जिन्होंने लिया है, मतलब आपको जो मतलब उन्होंने बनाया है ये सब, बट आप देख लो क्या है नहीं है, बट बेसिक सब दे देंगे वो, फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये किचन हो गया प्रॉपर, और यहाँ पे बेसिक ये आपको डोर्स मिल रही हैं, और इस तरफ भी जो है फ्रेंड्स आपको बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा इस तरफ, जो कि आप ये भी देख सकते हो। अभी इस तरफ आपका सिंक आ गया, ये भी फिटिंग सारे हैंडवेयर के दिए गए इसको। और यहाँ पे आपका जो मेन सिंक आएगा जहाँ पे आप बर्तन धोने के लिए दिया गया, ये देख सकते हो आप, डुअल सिंक यहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ दो सिंक यहाँ जाएगा, बाहर में दिए हुए हैं आरओ का भी और इसका, दोनों का पॉइंट यहाँ जाएगा। और ये बालकनी है प्रॉपर, फिटिंग सारे जगवार के रहेंगे आपको, तो आप ये देख सकते हो किचन में। अगर बात करूँ इसकी फिटिंग्स की, तो जितने भी इसमें चैनल्स लगे हुए हैं वो सारे हाईटेक ब्रांड के, सारे हाईटेक के सारे चैनल्स इसमें, और ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ग्लास, स्टोरेज के लिए काफ़ी एम्पल स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, रख सकते हो, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, और यहाँ भी स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। और जितने भी स्विचेस हैं सारे ग्रैविटी के हैं, जो कि आप ये देख सकते हो। इस तरफ आपका जो है, इस तरफ भी स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपका पेंट्री आ जाएगा इस तरफ, ये देख लो आप, ये पेंट्री हो गया प्रॉपर। यहाँ पे अवन के लिए और इसके लिए दिया गया है प्रोविज़न, और यहाँ पर आपकी फ्रिज आ जाएगी इस तरफ, जो किचन हो गया। और आपको अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो में फ्रेंड्स लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। फिर तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।